हेलो दोस्तों, फूड फॉर मूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना चिली की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चना चिली बनाने के लिए मैंने लिए हैं काबुली चने यानी कि चिकपी। इसे मैंने रात भर के लिए भिगो लिया था और फिर कुकर में 2 सीटी आने तक पका लिया है। इसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधी छोटी चम्मच नमक। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने तेल को गर्म कर लिया है। इसके लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी हमारे चने। चने को डालकर हमें 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है, बिल्कुल भी नहीं चलाना है। 1 मिनट के बाद हमें चने को चलाना है और फिर हम इसे हल्का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। अब मैं इसे निकाल लूंगी एक प्लेट में। इसी तरह से मैंने बाकी के बचे हुए चने को भी फ्राई कर लिया है। अब हमें एक पैन में 2 चम्मच तेल गर्म करना है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 लहसुन की कलियाँ कटी हुई। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटे साइज की प्याज लंबाई में कटी हुई। अब हमें इसमें डालना है 1/2 शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई। शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इन सबको हमें 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसके बाद हमें डालना है 1/4 छोटी चम्मच नमक। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 1 छोटी चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस। अगर आपके पास रेड चिली सॉस है तो आप कश्मीरी मिर्च ना डालें। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में घोल के डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने चने। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये लीजिए, हमारा चना चिली बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।